हे गाय इज़ वॉट्सअप इट्स योर बॉय जॉर्डन जैज और आज मैंने एक नई मूवी देखी इट्स कॉल्ड अनचार्टेड अनचार्टेड एक नई मूवी है जो कि इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई है स्टारिंग टॉम हॉलैंड मार्क वॉलबर्ग एंटोनियो बर्नाबास इट इज़ डायरेक्टेड बाय रूबिन फिल्चर जिन्होंने इससे पहले जॉम्बी लैंड वन और जॉम्बी लैंड टू बनाई है और जॉम्बी लैंड वन इज़ अ रियली ऑसम मूवी जॉम्बी लैंड टू मैंने पूरी नहीं देखी सो so,

या yeah, तभी तभी तो उससे खर्चा निकलेगा ना तभी तो मूवी टिकट्स आएगी अभी तो मेरे ही जेब से जा रहे हैं ठीक है सो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट सो अनचार्टेड एक ट्रेजर हंट मूवी है और हर ट्रेजर हंट मूवी की तरह इस मूवी की भी दे हैव रिसाइकल द सेम ओल्ड शिट कि यही स्टोरी होती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और वो एक आइलैंड जाते हैं और वो एक ट्रेजर ढूंढ रहे हैं और वो उस ट्रेजर को पा लेते हैं और उनका गोल ये होता है कि विलन और विलन के बंदों से वो ट्रेजर पहले पाएँ ठीक है तो सेम ओल्ड स्टोरी लाइन इज रिपीटेड इन दिस मूवी अनचार्टेड टॉम हॉलैंड मार्क वॉल्बर की एक टीम है और एंटोनियो बर्नबास की एक टीम है और यू you नो know, उन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट और ये राइवलरी है कि कौन ट्रेजर पहले अचीव करेगा द गुड गाइज और द बैड गाइज वैसे इस मूवी में सभी बैड गाइज़ है क्योंकि सब Uh, सोना पाने के लिए ट्रेजर पाने के लिए एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं चोरी कर रहे हैं धोखा धोखा <laughs> दे रहे हैं सो इट वॉज़ लाइक हॉलीवुड की रेस रेस सीरीज चल रही थी क्या सो so यही चल रहा है इस मूवी में सोना पाने के लिए लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की जाए तो देखो टॉम हॉलैंड इस टाइम ही इज ए वन स्टार और uh, मतलब मार्वल की मूवीज से वो इतना फेमस हो गए हैं कि बच्चा बच्चा उनका फ़ैन हो गया है आज भी जब मैं मूवी ये थिएटर में देखने गया था रात का साढ़े नौ बजे का शो तो बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आए थे और बच्चे सिर्फ और सिर्फ टॉम हॉलैंड की वजह से आए थे एंड देयर पेरेंट्स वर लीस्ट इंटरेस्टेड एंड पेरेंट्स अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे थे सो so, यह yeah, बच्चों के बीच में टॉम हॉलैंड काफ़ी फेमस है सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टॉम हॉलैंड का काम तो इस मूवी में ऑसम है ही क्योंकि उन्होंने काफ़ी इमोशनल सीन्स दिए हैं इस मूवी में उनका काम अच्छा है और एंटोनियो बर्ना फील द शो फॉर मी देखो एंटोनियो बर्नाबाज को मैं बचपन से देख रहा हूँ राइट फ्रॉम द मास्क ऑफ जोरोन स्पाइक किड्स और भी काफ़ी मूवीज है सो वट एवर ही डज गुड और उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड है बट आई वॉज मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच हिम ही इज प्लेंग द विलन बट ही इज नॉट इन द मूवी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर वो मूवी में एंड तक होते तो आई थिंक मूवी वुड हैोर बेटर मार्क वॉलबर्क इज ओके और दो लड़कियाँ हैं यू नो एज एज अ सपोर्टिंग कास्ट उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रोल इन्होंने नहीं दिया है ठीक दिया है नॉर्मल रोल दिया है उन एक्ट्रेसेस का मैं अभी नाम uh, नहीं रिकोगनाइज़ कर पा रहा हूँ आई एम सो सॉरी दे आर न्यू एक्ट्रेसेस बट दे डिड फेयरली गुड और एक्शन सीक्वेंस इस मूवी में कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है एक एक्शन सीक्वेंस अच्छा है जो स्टार्टिंग में है और मिड में है वो है एक एयर ड्रॉप सीन वो सीन काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी सुंदर दिखाया गया है और काफ़ी यू you नो know, काफ़ी नेल बाइटिंग सीन है वो और एक ऑक्शन गैलरी का एक सीन है वहाँ पे एक फ़ाइट सीक्वेंस दिखाया गया है तो वो भी काफ़ी ठीक था अपार्ट फ्रॉम दैट इन दोनों सीन्स के अलावा और सच इस मूवी में कोई और एक्शन सीन्स बहुत इतने अच्छे नहीं हैं और काफ़ी सीन्स रिपीटेटिव है और एक न्यूनेस और एक फ्रेशनेस नहीं है नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की यही कर ली कि रिपीटेड स्टोरी लाइन है कुछ नयापन इस मूवी में है नहीं और कैरेक्टर्स बहुत शैलो हैं एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और यू you नो know, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं सोना पाने के लिए मार रहे हैं काट रहे हैं झूठ बोल रहे हैं चोरी कर रहे हैं यही सब हो रहा है सो so, जैसे कि एक ट्रेजर हंड मूवी में होता है और एंड um, क्रेडिट में भी दो सीन फालतू में डाले गए हैं दैट डज नॉट इवन मेक सेंस आई डोंट नो उनको क्यों डाला गया है सो डज नॉट एड एनी थिंग टू द स्टोरी लाइन अब पता नहीं लाइक सोनी मार्वल से कम्पीट कर रहा है इसलिए दो 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 एंड क्रेडिट सीन्स डाल रहा है वैसे ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है एंड क्रेडिट सीन्स दो दो तीन तीन डालने का मूवी में लास्ट मूवी किंग्समैन बीइंग उसमें भी दो सीन्स फालतू में क्यों डाले थे मुझे नहीं पता ऑनेस्टली ये मूवी एज सच कोई इतनी खास थी नहीं और आ, एक्ट मुझे नहीं पता ट्रेजर हंड मूवीज़ मुझे कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं करती अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट बिलो लेट मी नो विच इज़ योर फेवरेट ट्रेजर हंड मूवी एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू देन प्लीज़ मेक श्योर टू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल थैंक यू गाइज टेक केयर लॉट्स ऑफ लव